गुड इवनिंग एवरीवन। सही देखा आप लोगों ने, जो सारे स्टूडेंट जिन लोगों का स्कोर अभी तक 160 के प्लस है और उन लोगों को अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला, यानी कि अभी तक कोई भी अलॉटमेंट लेटर नहीं आया और उन लोगों का स्कोर 160 प्लस है, अभी अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वेस्ट बंगाल में या फिर वेस्ट बंगाल के बाहर किसी भी स्टेट में, अभी भी पॉसिबल है आप लोगों के पास, लेकिन डिसीजन जो है वो आपको जल्दी लेना पड़ेगा। लगभग जब आप वीडियो हमारा देख रहे हैं, 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा, यानी कि 26 से लेके 27 तक उसके अंदर आप लोगों को डिसीजन बनाना पड़ेगा, तभी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं इस साल। और इस साल का जो MBBS एडमिशन का फ्लो है वो आप लोगों ने अभी तक देख ही लिया होगा कि फ्लो किस तरह से बह रहा है। 452 मार्क्स पे भी हल्दिया आई केयर मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट लेटर नहीं आया। तो सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है, जो सभी स्टूडेंट 160 के ऊपर स्कोर लेके बैठा हुआ है और जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन भी कर लिया और रजिस्ट्रेशन नहीं किया, सभी लोगों का और सभी बच्चे का एडमिशन हो जाएगा MBBS में इसी साल। आप लोगों का यार लॉस नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को ये एश्योरेंस देना पड़ेगा कि आप लोग 26 और 27 साल से पहले हम लोगों के साथ कांटेक्ट करिए। अगर कांटेक्ट कर सकते हैं तो आपका MBBS में एडमिशन लेना कंफर्म है और आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल निगोशिएट बजट में आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा जल्दी करिएगा, क्योंकि काट ऑफ जिस तरह से भाग रहा है, एडमिशन लेना बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगा। अभी 2 राउंड निकले हैं वेस्ट बंगाल में और भी 2 राउंड बाकी है। तो सभी स्टूडेंट से ही रिक्वेस्ट है, अगर एडमिशन लेना चाहते हैं इस साल तो कृपया करके थोड़ा सा जल्दी हम लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू।